तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम 2020 का रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और आपको वीडियो को पूरी देखना है, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगभग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सभी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग डेट में स्टार्ट होते हैं और अलग अलग डेट में एंड होते हैं और रिजल्ट भी अलग अलग डेट में अलाउंस यानी डिक्लेयर किए जाते हैं। तो सिमिलर किसी का भी नहीं है, लगभग कुछ सिमिलरिटी है बट अलग अलग ही है। ठीक है, तो हम आपको सारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी देंगे, बस आपको वीडियो को पूरी देखना है। दोस्तों इस बार कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुए थे, लाइक जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कानपुर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी में। अवध यूनिवर्सिटी में इस बार तो 15 फरवरी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, जबकि ये पहले कभी नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। जब से मैं देख रहा हूँ इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हुए जितनी जल्दी इस बार अवध यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुए, यानी कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इस बार 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय एग्ज़ाम एंड होने वाले हैं। एक दो पेपर बचे हैं और ठीक है, एक दो पेपर बचे हैं अवध यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी बीकॉम में, बीकॉम के तो लगभग एग्ज़ाम एंड ही हो चुके हैं और कुछ पेपर बचे हैं जो कि हो भी जाएंगे भी जल्द में। तो इन लोगों का रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस किया जाएगा क्योंकि भाई एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट हुए हैं तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। लेकिन हम देखते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे लगभग सभी यूनिवर्सिटी में वो 1 मार्च से स्टार्ट हुए थे। ओके, और जो एग्ज़ाम एंड हुए थे वो 30 अप्रैल को एंड हुए थे। ठीक है, लगभग 30 अप्रैल के करीब सभी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम एंड हुए थे और रिजल्ट जो आना स्टार्ट हुआ था वो लगभग यानी कि जून से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली हम बात करें तो 15 जून से स्टार्ट हो गए थे रिजल्ट आना। ओके, तो इस बार भाई कुछ यूनिवर्सिटी में तो जल्दी हुए तो उनका जल्दी आएगा, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में लेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए उनमें तो लेट से आएगा ही। ओके, तो इस बार मैं आप लोगों को बता दूं जिन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम जल्दी हुए हैं उनका जल्दी रिजल्ट आएगा, जिन में लेट हुए हैं उनका लेट आएगा। यानी कि लगभग आप लोगों के जो एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं वो जून से आना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जैसे भी कोई एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस डेट को आने वाला है या आ गया है तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूंगा। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन ज़रा सा भी मत लीजिएगा, मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि इस डेट को इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को इस डेट को यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं पूरी जानकारी आप लोगों को सभी अलग अलग वीडियो बना के दूंगा सभी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो आप चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जिन भी स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट भी आप लोगों के जो हैं वो जून से स्टार्ट हो जाएंगे और जिनका एग्ज़ाम जल्दी एंड हुए हैं उनके जल्दी आएंगे। ठीक है, आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।